गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9th मैथ्स हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। और आज प्रोबेबिलिटी की हम सॉल्व करेंगे 15.1 एक्सरसाइज, और इसका हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th आपके पास गिवन है, एन ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्टेड 2400 फैमिलीज एट रैंडम एंड सर्वेड देम टू डिटरमाइन अ रिलेशनशिप बिटवीन इनकम लेवल एंड द नंबर ऑफ व्हीकल इन अ फैमिली। मतलब हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन ने 2400 फैमिली को क्या करा, रेंडमली सिलेक्ट करा और उनका क्या किया, सर्वे किया है, राइट। सर्वे के दौरान उन्होंने दो चीज़ों में रिलेशन फाइंड करा है। दो चीज़ें मतलब रिलेशन किसके बीच में फाइंड करा, इनकम लेवल मतलब उनकी आय, मतलब उनकी फैमिली की इनकम कितनी है, कितने से कितने के बीच में, और द नंबर ऑफ व्हीकल इन अ फैमिली मतलब उस फैमिली में टोटल व्हीकल कितने हैं। इन दोनों के बीच में इतनी फैमिली का उन्होंने क्या करा, सर्वे किया। द इंफॉर्मेशन गैदर्ड इज लिस्टेड इन द टेबल बिलो। मतलब जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है एक टेबल के फॉर्म में उन्होंने क्या करा, रिप्रेजेंट करा है, राइट। तो हमेशा याद रखना है कि ये टोटल फैमिली है, तो जब भी हम प्रोबेबिलिटी में फाइंड करेंगे तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 2400 से। क्यों? क्योंकि ये टोटल फैमिलीज है, राइट। बस फेवरेबल केस पे डिपेंड करेगा कि फेवरेबल केस में आपको क्या फाइंड करना है, लेकिन नंबर ऑफ टोटल क्या रहेगा, 2400। तो सबसे पहले हम सर्वे के द्वारा दी गई टेबल देख लेते हैं कि टेबल में हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिली है। तो देखिए ये आपके पास टेबल है, ये वाला अगर आप कॉलम देखेंगे तो ये है मंथली इनकम, लेस देन 7000 मतलब 7000 से कम, 7000 से 10000 मतलब 7000 से 10000 के बीच में, 10000 से 13000 मतलब 10000 से 13000 के बीच में, 13000 से 16000 मतलब 13000 से 16000 के बीच में, 16000 और मोर मतलब या तो 16000 है या उससे ज़्यादा है, राइट। अब साथ में ये तो हो गई इनकम ऑफ लेवल, इनकम के लेवल की बात हो गई। अब हम बात करेंगे व्हीकल पर फैमिली, मतलब जिसके पास एक भी व्हीकल नहीं हो, जिसके पास एक व्हीकल हो और जिसके पास दो व्हीकल हो, और अबव टू मतलब दो से ज़्यादा, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं और दस भी हो सकते हैं। तो हमारे पास व्हीकल के कितने केस है, चार। एक भी नहीं मतलब ज़ीरो, या हो सकता है पूरी फैमिली में एक व्हीकल हो, या हो सकता है दो व्हीकल हो, या फिर दो से ज़्यादा। ऐसे नंबर ऑफ टोटल केस कितने हैं, चार है। तो ऐसे लोग जिनकी सैलरी 7000 से कम है, तो ऐसी कितनी फैमिली है, देखिए 10 फैमिली है जिसके पास एक भी, मतलब 10 घर ऐसे हैं जिसके पास एक भी गाड़ी अवेलेबल नहीं है, ना तो बाइक है, ना एक्टिवा गाड़ी है, ना साइकिल है, राइट। 10 परिवार ऐसे हैं जिसके पास एक भी गाड़ी नहीं है, एक भी व्हीकल अवेलेबल नहीं है, जिसकी सैलरी 7000 से कम है। 7000 से कम वाले जिसके पास एक गाड़ी हो, एक व्हीकल हो मतलब 160 फैमिली, दो व्हीकल हो 25 फैमिली, और दो से ज़्यादा एक भी नहीं, राइट। अब 7000 से 10000 के बीच में एक भी व्हीकल नहीं हो, एक भी फैमिली नहीं है, कि अगर जिसकी सैलरी 7000 से 10000 के बीच में है तो ऐसा कितना परिवार है जिनके पास जीरो व्हीकल, एक भी नहीं हो, एक भी फैमिली नहीं है, मतलब हर किसी के पास कुछ ना कुछ अवेलेबल है। एक व्हीकल वाले लोग कितने हैं, 305, और दो व्हीकल वाले कितने हैं, 27, और दो फैमिली ऐसी है जिनके पास दो से भी ज़्यादा है, हो सकता है फैमिली में एक्टिवा भी हो, बाइक भी हो और एक साइकिल भी हो, दो से ज़्यादा ऐसी फैमिली है, राइट। अब हमें देखना है 10000 से 13000, इट मीन्स 10000 टू 13000 के बीच में ऐसी कितनी फैमिली है जिसके पास एक भी व्हीकल नहीं हो, केवल एक। एक फैमिली ऐसी है जिसका पे स्ट्रक्चर मतलब इनकम का स्ट्रक्चर कितना है, 10000 से 13000 के बीच में आता है, और उनके पास एक भी गाड़ी नहीं है। एक गाड़ी वाले लोग 535, दो गाड़ी वाले 29, और दो से ज़्यादा वाले एक फैमिली, क्लियर। अब 13000 से 16000 के बीच में ऐसे कितने लोग हैं, तो दो फैमिली ऐसी है जिसके पास एक भी गाड़ी नहीं है, राइट। वन व्हीकल वाले हैं 469, टू व्हीकल वाले हैं 59, और टू से भी ज़्यादा तो कितने हो गए, 25 है,
राइट. एंड देन लास्ट 16,000 और मोर, मतलब 16 या 16 से ज़्यादा. एक भी गाड़ी नहीं हो एक फैमिली, एक ही व्हीकल हो 579, टू व्हीकल हो 82 एंड अबव टू के लिए है 88. तो ये डिफरेंट डिफरेंट केसेस गिवन है हमारे पास. अब हमें ये देखना है कि ये टेबल तो गिवन है, अब हमारे पास केसेस पे डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ टोटल केस कितने होंगे और हम कैसे फाइंड करेंगे, राइट. अब हम देखेंगे केसेस, राइट. सपोज अ फैमिली इज चूजन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फैमिली चूजन इज. सबसे पहला केस, पहला क्वेश्चन, राइट. पहला क्वेश्चन गिवन है, अर्निंग इज अर्निंग रुपीज 10,000 से 13,000 पर मंथ. मतलब हमने रो कौन सी सिलेक्ट करी, 10,000 से 13,000 के बीच में, ओविंग एग्जैक्टली टू व्हीकल. टू व्हीकल के लिए पे स्केल इतना दिया, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें क्या करना है, फाइंड करना है, राइट. लेकिन प्रोबेबिलिटी में डिवाइड, मतलब नंबर ऑफ टोटल क्या रहेगा हमेशा, 2400, ये हमेशा प्रोबेबिलिटी में हम इसी से डिवाइड करेंगे इस वाले सम में, क्योंकि ये टोटल है. अब फेवरेबल केस डिपेंड करेगा उन्होंने जो कंडीशन दी है, कंडीशन दी है 10,000 से 13,000 के बीच में और टू व्हीकल के लिए. तो हम कैसे चेक करेंगे, देखिए 10,000 से 13,000 के बीच में ये कॉलम हो गया, राइट. ये हो गया. अब इसी लाइन में हमें देखना है टू व्हीकल वाले, टू व्हीकल वाला कौन सा केस है, ये वाला. आ गया समझ में कि 10,000 से 13,000 के बीच में ये पे स्केल है, मतलब इनकम इतनी है, और टू व्हीकल के लिए एग्जैक्टली टू, क्लियर हो गया, एग्जैक्टली टू के लिए. मोर देन टू होता तो हम ये लेते, लेकिन उन्होंने बोला एग्जैक्टली टू, मतलब दो ही होना चाहिए. तो कितना आ रहा है, 29. तो देखिए सॉल्यूशन करते वक्त टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज तो कितना हो गया, 24, टोटल केस हो गया 2400, क्लियर. अब देखिए नंबर ऑफ फैमिलीज अर्निंग 10,000 से 13,000 पर मंथ इन ओवनिंग एग्जैक्टली टू व्हीकल कितने हैं, 29. अभी मैंने आपको टेबल में देख के बताया 29 बताया, तो एज इट इज़ यहाँ कितना लिखा है, 29. अब हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी, राइट. द प्रोबेबिलिटी दैट द फैमिली चूजन इज अर्निंग रुपीज 10,000 टू 13,000 पर मंथ एंड ओनिंग एग्जैक्टली टू व्हीकल. तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू फेवरेबल केस अपॉन में नंबर ऑफ टोटल केस, राइट. मतलब पी ऑफ ई इक्वल्स टू एन ऑफ ई अपॉन में एन ऑफ एस. तो एन ऑफ एस कितना है, 2400, मैंने पहले ही बोला था कि इससे डिवाइड होगा. और ये केस कितना दिया है, 29 दिया है ना, तो 29 अपॉन में 2400 हमारा ये क्या हो गया, फर्स्ट केस का आंसर. अब सेकंड केस, अर्निंग इज 16,000 और मोर, मतलब सबसे लास्ट वाला केस, पर मंथ और एग्जैक्टली कितने व्हीकल होना चाहिए, वन व्हीकल, राइट. तो हम टेबल में देख लेते, राइट. अब टेबल में देख लेते कौन सा बोला है, 16 और मोर, मतलब ये वाला केस हो गया. इसमें बोला है एग्जैक्टली वन व्हीकल, तो एग्जैक्टली वन व्हीकल के लिए ये हो गया, वन के नीचे है ना, इसके सामने और वन के नीचे, तो वैल्यू कितनी हो गई, 579 हो गई. तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ फैमिलीज अर्निंग रुपीज 16,000 और मोर पर मंथ एंड ओनिंग एग्जैक्टली वन व्हीकल, कितनी वैल्यूज आ रही है, 579. ये फेवरेबल केस है आपका. तो अगर अब हम इसके लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, द प्रोबेबिलिटी दैट द फैमिली चूजन इज अर्निंग रुपीज 16,000 और मोर पर मंथ एंड ओनिंग एग्जैक्टली वन व्हीकल. इतना डिटेल ना ही लिखना है तब भी हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, इसको आप कट कर दो और डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू क्या लिखोगे, ये 579 आ गया, ये लिखा, डिवाइडेड बाय क्या आ गया, 24. तो आप चाहो तो पहले प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिख लो, प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू फेवरेबल केस अपॉन में नंबर ऑफ टोटल केस, और वहाँ पे आप क्या करोगे, ये वैल्यू को पुट अप कर दो. तो फेवरेबल केस कितना है आपका, 579 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 2400. ये क्या हो गया आपका सेकंड केस का आंसर, राइट. नाउ द थर्ड केस,
थर्ड केस क्या गिवन है, अर्निंग लेस देन रुपीज 7,000, मतलब 7,000 से कम पर मंथ, एंड डज नॉट ऑन एनी व्हीकल, मतलब एक भी व्हीकल न हो। किसके लिए? एक तो सैलरी का पे स्केल कितना दे दिया उन्होंने, 7,000 से कम, लेस देन दिया है ना वर्ड, 7,000 से कम और एक भी व्हीकल नहीं, इट मीन्स क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, राइट। तो यहाँ हम देख लेते हैं, 7,000 से कम मतलब ये रहा लेस देन 7,000, और इसके सामने क्या देखना है हमें, जिसके पास एक भी व्हीकल नहीं हो मतलब ज़ीरो, ये वैल्यू हो गई। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है, 7,000 से कम के लिए एक भी व्हीकल न हो, तो कितनी आ रही वैल्यू, 10 आ रही है, राइट। तो आप यहाँ पर देखेंगे, नंबर ऑफ फैमिलीज अर्निंग लेस देन रुपीज 7,000 पर मंथ एंड डज नॉट ऑन एनी व्हीकल, कितना आ रहा है, 10, राइट, 10 आ रहा है। अब हम देखिए कितना हो जाएगा, द प्रोबेबिलिटी दैट द फैमिली चूजन इज अर्निंग लेस देन रुपीज 7,000 पर मंथ एंड डज नॉट ऑन एनी व्हीकल, कितना आ जाएगा, फेवरेबल केस कितना है, 10 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 2,400, ये आ जाएगा। अब देखे जाए तो ये आंसर, लेकिन अगर पर्टिकुलर ये कैंसिल हो रहा है, तो देखिए एक जीरो से एक जीरो क्या हो गया, कैंसिल, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/240। जो यहाँ पे लिखा था क्लियर दिख नहीं रहा है, तो आप नीचे की लाइन में लिख लेना 1/240, और यहाँ पे ये थर्ड केस के लिए क्या हो गया, आंसर हो गया, क्लियर। नाउ द फोर्थ केस, फोर्थ केस में क्या देके रखा है, अर्निंग इज 13,000 to 16,000 पर मंथ, अर्निंग का लेवल दे दिया उन्होंने, एंड ऑर्निंग मोर देन टू व्हीकल, मोर देन टू मतलब टू से ज़्यादा, एग्जैक्टली टू बोले तो टू वाला कॉलम, मोर देन टू बोला है तो टू से ज़्यादा वाला, मतलब अबो टू में हम देखेंगे। अर्निंग का लेवल कितना दिया है, 13 to 16, राइट, 13 to 16 दिया है, तो हम यहाँ पर देखेंगे 13 to 16, 13 to 16 मतलब ये वाली रो दे दी पूरी, राइट। इसमें बोला है मोर देन टू व्हीकल, मोर देन टू व्हीकल मतलब ये वाला पार्ट, अबो टू है ना, मतलब मोर देन टू के लिए, तो वैल्यू कितनी आ रही है, 25, राइट, 25 आ रही है। तो देखिए सॉल्यूशन करते वक्त हमने यहाँ लिखा है, नंबर ऑफ फैमिलीज अर्निंग रुपीज़ 13,000 to 16,000 पर मंथ एंड ओमनिंग मोर देन टू व्हीकल, कितना आ रहा है, 25, क्लियर, 25 आ रहा है। देयर फोर द प्रोबेबिलिटी दैट द फैमिली चूजन इज अर्निंग रुपीज 13,000 to 16,000 पर मंथ एंड ओमनिंग मोर देन टू व्हीकल, तो वैसे देखिए यहाँ तक अगर आपने लिखा है, तो आप चाहो तो इतना कट करके डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, फेवरेबल केस अपॉन में नंबर ऑफ टोटल केस, राइट। तो फेवरेबल केस कितना है, 25, तो देखिए यहाँ 25 लिखा है, डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल कितना है, 2,400, पर्टिकुलर एक नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, हाँ कैंसिल करके देख लेते हैं, 5 5 5 5 5 25, यहाँ 5 से कैंसिल करा तो 5 4 20, 4 5 8 40, 0 अभी भी 5 से कैंसिल होगा, हाँ 5 5 5 5 9 45, 3 कैरी गया, 5 6 30, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कितना लिखा है, 1/96, मतलब इसका प्रोबेबिलिटी का आंसर कितना आ रहा है हमारे पास, 1/96, और यहाँ पे ये क्या हो गया, आंसर। वैसे भी ये क्या है, प्रोबेबिलिटी का जो सम है एक से छोटा होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी है, डेसिमल में नहीं होना चाहिए, रेशनल में होना चाहिए, तो वैसे ही ये रेशनल फॉर्म में, साथ में ये कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, तो ये वैसे ही क्या है, पॉजिटिव, राइट। तो हमारे पास फोर्थ केस का आंसर कितना आ गया, 1/96। नाउ द लास्ट, क्या लास्ट, द फिफ्थ केस हमारे पास क्या गिवन है, ओमनिंग नॉट मोर देन वन व्हीकल, राइट, नॉट मोर देन वन व्हीकल, मतलब ऐसे कितने हैं जो वन से ज़्यादा व्हीकल नहीं है, वन से ज़्यादा, तो इसमें कौन कौन से केस आ जाएंगे, जीरो वाले और वन वाले, मोर देन वन, वन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो वन चलेगा और जीरो चलेगा, वन से ज़्यादा नहीं चलेगा, वन चलेगा और जीरो चलेगा। तो देखिए हम देखते हैं, जीरो वाले केस कितने हैं, 0, 10, 0,
वन टू वन, जीरो टेन जीरो वन टू वन, राइट। तो ये केस हो जाएंगे। देखिए हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पे टोटल करना है ना, ऐसे कितने केस है, नंबर ऑफ फैमिलीज ओनिंग नॉट मोर देन वन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मोर देन वन, मोर देन वन कितना हो जाएगा, एक मिनट, मोर देन वन हो जाएगा यहाँ से, मोर देन वन मतलब ये 160305535, देख लेते हैं 160305535। तो हम यहाँ पे देख लेते 160305135 क्या था, एक मिनट वापस से देख लेते 305535, देखिए यहाँ पे लिखा है 535, क्लियर। फिर कौन सा आ रहा है 1001, क्लियर, हम सही कर रहे थे पहले भी, यहाँ देखिए 1001। अब उन्होंने किस तरह से लिखा है मैं आपको एक और बार क्लियर कर देती हूँ किस तरीके से लिखा है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, नॉट मोर देन वन व्हीकल, वन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इट मींस वन या वन से कम होना चाहिए, वो वाले सिलेक्ट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम कौन सा सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे बता देती हूँ, इस वाले, इसमें देखते तो 10 और 160, इसमें जीरो व्हीकल है, इसमें वन, वन से ज़्यादा नहीं, तो वन से ज़्यादा वाला ये केस है, तो ये छोड़ देंगे, तो 10 और 160 आ गया। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 10 और 160, क्लियर। अब हम सेकेंड वाले इसमें जाएंगे 0 और 305, तो देखिए यहाँ पे लिखा है 0+305, राइट। फिर थर्ड वाले इसमें चले जाएंगे, इसमें तो 1 और 535, तो देखिए यहाँ पे लिखा है 1 और 535, क्लियर। अब हम चले जाएंगे इस वाले केस में जिसमें 2 और 469 है, तो यहाँ पे देखिए आगे हमारे पास लिखा है 2 और 469। फिर हमारे पास नेक्स्ट केस है क्या है, 1 और 579, तो देखिए यहाँ पे लिखा है 1 और ये 579 है, 9 इधर आ गया, इसको आप क्लियर कर देना, ये 575 है, राइट। अब इन सभी को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो इन सारे नंबर्स को जब हम प्लस करेंगे तो कितना आया 2062। आप कॉपी में प्रॉपर वे में प्लस कीजिए और देखें कि ये आ रहा है या नहीं, तो हमारा ये ऐड करने पे कितना आया 2062, ये तो फेवरेबल केस हो गया, राइट। द प्रोबेबिलिटी दैट द फैमिली चूजन ओन नॉट मोर देन वन व्हीकल, वन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, राइट, नॉट मोर देन वन, वन से ज़्यादा नहीं, कम चलेगा, कम मतलब जीरो या वन। तो हमारे पास फेवरेबल केस कितना था 2062, और टोटल किससे डिवाइड करा 2400 से, देखिए ये वैल्यू 2 से डिवाइड हो रही, 2 1 जा 2 जीरो कैरी, 2 3 जा 6 अगेन 2 1 जा 2, तो ये आ गया 1031, और इसको डिवाइड करा तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 और ये 00, तो आ रहा है 1200। तो फाइनली फिफ्थ वाले केस का हमारे पास आंसर कितना आ गया 1031 डिवाइडेड बाय 1200, और ये क्या हो गया इसका आंसर, राइट। तो इस तरीके से आप प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हो, और ये फाइनल फिफ्थ वाले केस का हमारा आंसर। तो आपको ये देखना है कि प्रोबेबिलिटी का आंसर वन से छोटा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए और डेसिमल में नहीं होना चाहिए। थैंक यू।